रामगंगा में डूबने से हुई मौत। बता दें कांड क्षेत्र के ग्राम बेगमपुर के रहने वाले सोहित नागर पुत्र हरिओम सिंह नागर उम्र 22 वर्ष आज सुबह लगभग 9 बजे अपने गांव मिश्री बेगमपुर से रामगंगा के पास अपने खेत से चारा लेने गया था। तभी वह पुल के नीचे जाकर रामगंगा में नहाने लगा। नहाते नहाते वह रामगंगा को पार करना चाहता था और रामगंगा में तभी तेज बहाव की लहरों के बीच में आ गया और वह डूब गया। तभी वह रामगंगा के पुल पर खड़े कुछ लोगों ने देखा कि वह एक व्यक्ति अचानक नहाते नहाते गायब हो गया। जब वह कुछ देर तक वहां दिखाई नहीं दिया तो वहां के लोगों में हड़कंप मच गया, जिससे उसके गांव के और लोग एवं परिवार के सभी लोग मौके पर पहुंचे तो सभी के होश उड़ गए। उन्होंने यह सूचना कांड प्रशासन को दी। जब प्रशासन वहां पर नहीं पहुंचा तो वह ठाकुर द्वारा कांट रोड पर बेगमपुर चौराहे पर काफी देर तक कुछ लोगों ने जाम लगाया। तब वहां पर रेस्क्यू दल की टीम को बुलाया गया। 3-4 घंटे तक लगातार रेस्क्यू टीम ने काफी मेहनत की लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए और मृतक का शव शाम 6:30 बजे तक नहीं मिल पाया। तरुण कुमार की यह खास रिपोर्ट।